अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बैंगन की सब्ज़ी आलू और मेथी के साथ। इसके लिए हम लेंगे एक पैन या कढ़ाई और इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून तेल। जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें ऐड करेंगे 250 ग्राम बैंगन। तो ये वाले बैंगन हैं और इसे हमें इस तरह से काट लेना है। इसे हम तेल में डाल देंगे और सॉटे कर लेंगे। और अब इसमें ऐड करेंगे एक आलू क्यूब्स में कटा हुआ। अब हमें आलू और बैंगन को फ्राई करना है तेल में 4 से 5 मिनट तक। तो ये बैंगन का कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे नमक हस्बे ज़ायका, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और मसालों को सब्ज़ी के साथ मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टमाटर कटे हुए। और अब हम टमाटरों को भूनेंगे जब तक ये थोड़े से मशी नहीं हो जाते। तो अब ये हमारे टमाटर मशी हो चुके हैं। इसमें हम ऐड करेंगे मेथी और साथ ही 3 हरी मिर्च जिसे हमने बीच से चीरा लगा लिया है और इसे मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 ग्लास पानी। पानी ज़्यादा नहीं ऐड करना है क्योंकि बैंगन को गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब हम इसे कवर कर देंगे और 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। 5 मिनट बाद हम इसे चेक करते हैं। पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है और आलू भी गल चुके हैं। अब हम इस पर स्प्रिंकल कर देंगे कोथमीर। और कोथमीर को मिला लेंगे सब्ज़ी के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए न्यू वीडियोस के लिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे रेसिपीज को ट्राई कीजिए और इसका फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये बहुत आसान रेसिपी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। आप इसे चपाती या चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।